जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है 300 से लेकर 350 सवालों की झड़ी क्लास। और इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम हिमाचल प्रदेश की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आप डेली टू डेली अपने मोबाइल ऐप पर और यूट्यूब पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर आपको ये दिए जा रहे हैं वीडियोस। आप इन क्वेश्चंस को लगाएं और माइंड में बिठा लीजिए कि ये क्वेश्चन यहीं से ही आपको आने वाले आगामी एग्जामों में आने। तो तैयारी क्यों नहीं करते, तैयारी साथ में करिए, जिसमें हम HPPSC, कैट, पटवारी, एलाइड सर्विसेज और हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो है वो पूरा का पूरा आपको दे रहे हैं और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर कराने की तरफ जो है वो चल रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जो है वो तैयारी करें और बेहतर टू बेहतर क्वेश्चंस लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है आपको पता लगेगा कि नए क्वेश्चंस जो हैं वो क्या आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमारा आ जाता है कुल्लू दशहरे का प्रारंभ, क्योंकि दशहरा आ रहा है तो दशहरे पर ही क्वेश्चन है। प्रारंभ जो है वो किस शताब्दी में किया गया था, सतारवीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में किया गया था? सत्तरवीं शताब्दी में जो है वो इसका आरंभ जो है यानी कि स्टार्टिंग जो है वो की गई थी। कौन सी शताब्दी में की गई थी? सतारवीं शताब्दी में जो है कुल्लू दशहरे की प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह ने किस वर्ष दशहरे को प्रारंभ किया? जगत सिंह ने जो है दशहरा यानी कि कुल्लू का जो दशहरा है वो कब शुरू किया था? 1660 में शुरू किया था। कब किया था प्यारे बच्चों? 1660 में शुरू किया। अगला है, हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद कुल्लू का पहला दशहरा किस वर्ष आयोजित किया गया था, यानी कि कौन से साल में जो है कुल्लू का दशहरा स्टार्ट हुआ है? तो वो है 1967 अक्टूबर माह में। ठीक है, कब हुआ था? अक्टूबर माह में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है सम्मिलित जब हुआ था कुल्लू, तो उसमें पहली बार जो दशहरा है वो 1967 में स्टार्ट किया गया है। पीपल जातर मेला, ठीक है, बसंतोत्सव भी बोलते हैं इसको, ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये ढालपुर मैदान में ही मनाया जाता है और ढालपुर मैदान में ही आपका कुल्लू का दशहरा भी होता है। तो कुल्लू इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। ओके, अगला है, शूलनी माता का मंदिर या मेला कहां पर लगता है? तो वो है आपका सोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला सवाल, कुल्लू के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्रीखंड महादेव, बहुत ही कठिन यात्रा है या पे जाने के लिए, और ये कितनी हाइट पर है? ये 18,575, लगभग इन्होंने 70 दिया है, 75 तक फुट तक हाइट जो है वो इसकी मानी गई है। तो याद रखिएगा, तो श्रीखंड महादेव की जो ऊंचाई है वो 18,570 है, 70 से 75 बोल सकते हैं। मिंजर मेला किस जिले के लिए सुप्रसिद्ध है? मेलों से जुड़े हुए सवाल हैं, त्योहारों से जुड़े हुए सवाल हैं आज। तो ये मिंजर मेला यानी कि सिट्टे से जुड़ा हुआ है, जो मक्की का सिट्टा होता है ऊपर का, तो ये है चंबा जिले से। किससे है? चंबा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कहां पर मनाया जाता है? तो शिवरात्रि जो है बहुत से देवता आते हैं, लाखों देवी देवता, मंडी जिले में जो है वो पड्डल मैदान में जो है ये मनाया जाता है। अगला है, बाबा बड़वांग सिंह मेला ये कहां पर लगता है? तो ये ऊना के मैड़ी में लगता है, स्थान का नाम भी लिख लीजिएगा मैड़ी। कहां पे है? मैड़ी में जो है वो लगता है। अगला है, मार्च महीने में रामपुर में कौन सा मेला मनाया जाता है?
ये है फाग मेला। रामपुर में जो है कौन सा मेला फेमस है? फाग मेला है, जो कि नए वर्ष के लिए जो है वो चिन्हित किया जाता है। अगला है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला, जो कि पशु मेला है और गोल्डस्टीन ने जो है इसको शुरुआत की थी अमरचंद के समय में। तब उस वक्त राजा कौन थे? अमरचंद थे। तो ये कब शुरू किया गया था? इसका मैंने आंसर पहले भी आपको करवाया है, 1889। कब? 1889 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है द्योड़ सिद्ध मेला, यानी कि द्योड़ सिद्ध बाबा बालकनाथ की बात की जा रही है। तो फटाफट वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है जी। और ये कहां पर है? तो ये शाहतलाई बिलासपुर में जो है स्थित है। अगला है वर्ष 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के जो है लेखक किसे माना गया है? तो आनंद कुमार स्वामी को जो है ये माना गया है, राजपूत पेंटिंग्स। नेक्स्ट आता है कांगड़ा शैली का जन्म कहां पर हुआ? तो कांगड़ा शैली का जो जन्म है वो गुलेर रियासत से जुड़ा हुआ है, गुलेर में हुआ है। अगला सवाल है किस राजा के शासनकाल में कांगड़ा चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, हाई स्टेज पर पहुंच चुकी थी? संसार चंद, राजा संसार चंद के समय में जो है ये हाई स्टेज पर जो है वो पहुंची थी। अगला सवाल है पठियार और कन्यार लेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये किस जिले से प्राप्त हुए हैं? पठियार आपको मालूम है हमारे पड़ोस में चमुंडा के साथ ही है, तो वहां से ये लेख प्राप्त हुए थे। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आएगा, क्या आंसर आएगा? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आएगा। सलाणु शिलालेख कहां पर प्राप्त हुआ है? सलाणु जो शिलालेख है वे मंडी जिले से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मंडी जिला से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है मूर्तियों पर उत्कीर्ण पुरा लेख में सबसे प्राचीन लेख भरमौर में के किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? वो है लक्षणा देवी मंदिर। वैसे लखणा देवी मंदिर है, उसी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। वैसे ओरिजिनल नाम जो है वो लखना है, ठीक है। तो लक्षणा देवी की मूर्ति से जो है ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रदेश की सबसे शक्तिशाली जाति कौन सी मानी जाती है? तो प्रदेश की सबसे शक्तिशाली जाति जो है वो खश जाति को जो है वो माना जाता है शक्तिशाली जाति। बूढ़ी दिवाली का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो बूढ़ी दिवाली का जो त्योहार है वो निर्मंड कुल्लू में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? निर्मंड कुल्लू में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हिमालय के त्रिगत गण संघ के अधीन कितने राज्य थे? तो गण संघ यानी कि जब स्टार्टिंग थी तब हमारे टोटल 6 राज्य थे। कितने थे? 6 राज्य थे। अगला सवाल हिमाचल में 1857 की क्रांति कहां से हुई? तो 1857 की क्रांति हुई थी कसौली से। कहां से हुई थी? कसौली की छावनी से हुई थी। अगला है हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया, यानी कि हिमाचल का नाम ही किसने रखा था? तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने जो है इसका हिमाचल का नाम रखा था। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आइस स्केटिंग मैदान, ठीक है, के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपके शिमला को जाना जाता है। अगला है भारत का पहला पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित कहां पर हुआ था? तो भारत का पहला जो पैराग्लाइडिंग है वो बीड़ बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंतर्गत आता है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो हुआ था। गद्दी लोग किस के वंशज माने जाते हैं? तो ये गद्दी लोग जो हैं या गद्दी जनजाति के लोग जो हैं वो औदुम्बर जनजाति से जो हैं वो वंशज माने जाते हैं, औदुम्ब्रो। नेक्स्ट मलाणा के किस ऋषि का गणराज्य कहा जाता है? वो है ऋषि जमदीगनी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है मलाणा में स्थानीय भाषा में जमदीगनी ऋषि को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि वहां के लोग जो है अपने देवता को किस नाम से पुकारते हैं? वो है जामलू देवता के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? जामलू देवता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद में हिमाचल को किस नाम से
से जो है अंकित किया गया है, अंकित होगा, ठीक है, अंकित किया गया है हिमवत। किस नाम से किया गया है? हिमवत, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है इसलिए हिमवत। नेक्स्ट आता है त्रिगत किन तीन नदियों के बीच है? पहले भी आया था ये क्वेश्चन, फिर से आ गया है, रावी है, व्यास है और सतलुज नदी के बीच में ये गिना जाता है। नेक्स्ट आता है हिमाचल की तिब्बत से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि तिब्बत से जो है हिमाचल कितना जुड़ा है, वो है सिर्फ 200 किलोमीटर। नेक्स्ट, शिवालिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो शिवालिक को मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? तो तिब्बत से अलग करती है वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। कौन सी अलग करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। अगला है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला की ऊंचाई कितनी है? मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, 7026 मीटर जो है ये इसकी हाइट है बच्चों, कितनी है? 7026। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची जो है वो रियो पगरियाल है, जो कि 6,792 जो है वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल है, पालछा पर्वत चोटी कहां पर है? तो पालछा जो है वो है कुल्लू जिला में स्थित है। कहां पे है? कुल्लू जिला में स्थित है। अगला है, चंबा की सुप्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला लामसर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 5,080 मीटर ऊंचाई है, ठीक है जी, 5,080 मीटर। अगला है, बारालाचा दर्रा किसके समीप है? बहुत से लोग जो है पर्यटक यहीं पे जाते हैं, वो है लाहौल और लद्दाख के बीच में बारालाचा दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है? लाहौल और लद्दाख के बीच में। नेक्स्ट आता है, चंद्रा नदी किस हिमनद से पानी प्राप्त होता है, यानी कि कहां से जो है चंद्रा नदी को पानी प्राप्त होता है? वो है शिगड़ी हिमनद से, यानी कि ग्लेशियर, हिमनद मतलब ग्लेशियर, प्यारे बच्चों नोट रखिएगा। नेक्स्ट आता है, कुल्लू के सुप्रसिद्ध द्योन और पार्वती हिमनद किस नदी को पानी देते हैं? तो ये देते हैं पार्वती नदी को, जहां पर मणिकरण है, कसोल है, घूमने के स्थान है, तो पार्वती नदी इसका आंसर रहेगा। लाहौल के मूल किला और म्यार हिमनद किस नदी में जल प्रवाह के प्रमुख स्रोत हैं? वो है भागा और म्यार नदियों के, भागा और म्यार नदियों के। अगला सवाल, डल और कावेरी झीलें कहां पर स्थित हैं? तो डल आपको बता दिया है और कावेरी नहीं होगा यहां पर, करेरी होगा, करेरी, क्योंकि बुक्स में जो है कावेरी भी लिख दिया है मगर करेरी है ये, ठीक है। तो ये हमारे कांगड़ा में है, धर्मशाला के साथ ही है। नेक्स्ट आता है, भृगु सरोवर मंदसौर ये क्या है? तो ये कुल्लू जिले की झीलों के नाम है। क्या है? कुल्लू जिले की झीलों के नाम है। अगला सवाल है, कौन सी झील डोडरा कवार और किन्नौर स्थित सांगला के बीच में है? तो आंसर रहेगा बरादोनसर झील। कौन सी है? बरादोनसर झील, बरादोनसर झील। अगला है, कांगड़ा जिले की सुप्रसिद्ध झील पोंग झील जो है 1975 में बनी, जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर है, तो इस झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराणा सागर प्रताप के नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर। अगला है, पंडोह झील किस जिले में है? तो पंडोह मैंने कल भी बताया, पिछली वीडियोस में भी, मंडी जिला में स्थित है। अगला सवाल, रावी नदी पर बनाई गई चमेरा झील, यानी कि चमेरा डैम की बात की जा रही है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चंबा जिले में है। चमेरा से जुड़े हुए हों सभी डैम चमेरा के जो है वो चंबा में ही है। नेक्स्ट, मणिकरण गर्म पानी के चश्मे के लिए पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? रेडियो एक्टिविटा, यानी कि धर्मिता पाई जाती है, रेडियो धर्मिता। अगला है, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 350 से लेकर 7,000 मीटर तक की ऊंचाई जो है वो हिमाचल प्रदेश की है।
नेक्स्ट आ जाता है और अंतिम सवाल, किस पौधे की जड़ें शक्ति वर्धक तथा ज्वर रोधक होती हैं? वो है अतिस की। किसकी है? अतिस जो है वो इसका सही आंसर है। अतिस की जो है वो जड़ें हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। और भी ऐसी ऐसी मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आप हमारा रे साथ अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर इन क्वेश्चंस को शेयर करें कि वो भी अपनी तैयारी करें। तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।